जय भीम नव बुद्धा साथियों, मैं मेघराल बोध, आप देख रहे हैं त्रिशरण लाइव टीवी। आज हम एक ऐसे मुद्दा लेके आए हुए जो आपके लिए जानना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि दिन भर दिन अत्याचार समाज में बढ़ते जा रहा है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हाल ही में भी जो सो एक घटना घटा हुआ रांची में जो है पल्लवी बहन को उसको हत्या करके उसको मार के फेंक दिया गया, और हत्यारा है पीयूष तिवारी, उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक उसको फांसी नहीं दिया गया है। और अभी तक जो झारखंड सरकार है भी कोई तरह से स्टेप नहीं लिया है, तो ये कहीं ना कहीं जो वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे जो भीम आर्मी की ओर से अभी हर जिला में भी आवाज़ उठाया जा रहा है, कैंडल मार्च और मांग किया जा रहा है सरकार से कि जल्द से जल्द उस पीयूष तिवारी को फांसी देने का काम करें। लेकिन इसी में से भी जिला इकाई भीम आर्मी की ओर से भी यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया और सरकार से मांग किया जा रहा है कि उसको फांसी दिया जाए। तो आइए हम भीम आर्मी का जो प्रवक्ता है, भीम आर्मी का जिला प्रवक्ता है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार से किस तरह से मांग है और क्या मामला है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, सबसे पहले हमारे त्रिशरण लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है, हमारे दर्शकों को बताइए। सर, त्रिशरण लाइव टीवी चला रहे मेघलाल बीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जब हमारे समाज में कोई घटना घटता है तो सामने आता है और इस आवाज़ को उठाता है। इसके साथ साथ सभी ऑडियंस को देख रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। आज का जो दिन है बहुत ही दुखद दिन है कि जो पल्लवी कुमारी जो हमारी बहन, उसको जो है रांची में जो है एक वो जो पढ़ाई करती थी, एक विद्यार्थी थी, छात्रा थी वो, और उसको जो है मनुवाद विचारधारा को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, मनुवाद लोगों ने उसके साथ जो बेरहमी से उसका हत्या कर दिया, उसके साथ बलात्कार करके हत्या किया, इसके साथ उसको तलवारों से भी उसको काटा गया। यानी उसके ऊपर जो एक एक्ट नहीं बल्कि बहुत सारा IPC एक्ट उसमें ऊपर लगेगा, बहुत सारा सेक्शन लगेगा। इसके साथ साथ ये जो झारखंड का जो ये समस्या है ना, वो OP से भी ज़्यादा बेकार हो चुका है। OP में ये ज़्यादा घटना देखने को मिलता था, लेकिन जो है ना अभी झारखंड में चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी रोज़ जो घटना है अभी फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत गलत तरीके से लड़कियों के साथ जो है इस तरह से घटना रोज़ हो रहा है। मैं चाहता हूँ यही सरकार से मांग, यदि इस प्रकार से आप इस चीज़ के ऊपर रोक नहीं लगा पाते हैं तो आप सभी लड़कियों के जिस तरह कॉपी कलम जिस तरह व्यवस्था देते हैं आप, उसी प्रकार से एक बंदूक भी साथ साथ में दे दिया कीजिए, अगर आप न्याय नहीं दे पाते तो। चूंकि न्याय व्यवस्था में जो है हम लोग को समाज में जो व्यवस्था जो न्याय व्यवस्था है उस चीज़ से भरोसा लोगों को उठने लगा है। अभी तक यदि कोई मनुवाद का कोई बेटी के साथ यदि ऐसा हो गया होता ना तो अभी तक वो लड़का को जो है अभी तक क्या न क्या हो गया होता। लेकिन यहाँ तक कि हम लोग का समाज के जो है SC ST लोगों को किसी ना किसी तरह से जो इस चीज़ को छुपाया जाता है, उस चीज़ को दबाया जाता है मामला को। मैं यही चाहता हूँ सरकार से, अगर आपकी औकात नहीं है उसकी सज़ा देने के लिए तो आप जो है ना सभी लड़कियों के प्रोवाइड करवा दीजिए एक एक ठो बंदूक, वो खुद स्वयं रक्षा करेगा। बस में जिसमें सब सफ़र करते हैं ना तो वहाँ लिखा रहता है यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, बस उसी प्रकार से सभी लड़की जो है ना अपना जो है सुरक्षा खुद करेगा, सभी को बंदूक का व्यवस्था करवाया जाए ना, फिर रखेगा फिर हथियार क्या करिएगा, सरकार से व्यवस्था नहीं, फिर जब वैसा हथियार भी रखेगा सरकार उसके ऊपर भी जो है ना क्या करेगा, कानूनी तरीके से उसको सज़ा दिलाएगा। तो सरकार से मेरा यही अपील है कि आप नहीं कर पाते उसको फांसी की सज़ा नहीं दे पाते हैं तो सभी लड़कियों को जो है प्रोवाइड कराने की कृपा की जाए, एकदम इसी बार कराया जाए, सभी को तलवार दो, क्या बोलते हैं कट्टा उट्टा रखने का दो राइट्स, या तो फिर उसे जो बंदूक दो। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए जो है हम लोग कानून को फॉलो करते हैं। जिस दिन कानून हम लोग भूल जाएंगे हमारे समाज में जो हो रहा है अभी घटना, फिर हम लोग बाबू भीमा कोरेगांव भी याद दिला देंगे, 500 मारों ने 28,000 पेशवाओं को कैसे गाजर मूली की तरह काटा था, फिर उसी तरह हम लोग भी करेंगे। और हम लोग जो है ना झलकारी बाई को फॉलो करने वाले लोग, नारी को जो है नारी को शक्ति देता है झलकारी बाई फूले को जब हम लोग समझते हैं, तो इसीलिए हम लोग कानून व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। भूल जाइए सरकार आप भी कि अगर आप सोच रहे होंगे ये लोग कमज़ोर है तो हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे, डट के लड़ेंगे। जय भीम, जय संविधान। दुख की बात यह है कि अभी जो अभी तक भी कोई सरकार अभी स्टेप नहीं लिया, और साथ ही साथ जितने भी बहुजन समाज के लोग इतना संगठन चलाते हैं फिर भी अभी तक कोई संगठन अभी आगे नहीं बढ़कर आया हुआ है। लेकिन एक अभी भीम आर्मी जो अभी हर एक मुद्दा उठाने का काम कर रहे हैं, और जहीं भी कहीं भी अत्याचार होता है तो एक बार वो भीम आर्मी को याद करते हैं। और अभी जितने भी अभी जो सरकार जितने भी पदाधिकारी बने हुए हैं, बड़े बड़े नेता भी उसके उस हथियारों को बचाने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे संजय जी उपस्थित है, दो शब्द उनसे कुछ जानना चाहेंगे आप। सर, जय भीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम एक चीज़ भी बोलना चाहते हैं कि जो दलित जो है वो हिंदू में भी आता है, जब वो हिंदू में ही आता है तो फिर उसके साथ में जातिवाद क्यों हो रहा है।
वो तो समझना चाहिए ना। आज सारे हिंदू लोग कहाँ मर गए हैं, उनके विरोध में क्यों नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, ये सब चीज़ हमारे बहुजन समाज के लोगों को कब तक समझ में आएगा। हम चाहते हैं कि अभी भी समय है, जल्द से जल्द लोग समझ जाए कि हमारे साथ में बहुत घोर अन्याय हो रहा है और ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा। झारखंड सरकार से एक बात हम कहना चाहते हैं कि आप जो है समय पर उनको न्याय दे दीजिए, नहीं तो फिर इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। जय भीम। चलिए, जितने भी दर्शक हैं और बहुजन समाज को, एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी को, सभी को कहना चाहेंगे कि जब तक आप जातियों में बटे रहेंगे तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता है। जातियों का आइडेंटिटी छोड़िए और बाबा साहब को जो अंतिम शिक्षा था कि बौद्ध धर्म की दीक्षा, उसको अपनाइए। अगर आप पे अगर बुद्ध की ओर जाते हैं तो आपको अगर कोई तरह से अत्याचार होता है तो पूरा विश्व आपके साथ खड़ा होगा। और जब तक आप दलित बन के रहेंगे, जब तक आप जातियों में बटे रहेंगे तब तक आपको इसी तरह के करके आप पे अत्याचार होते जाएगा। तो आप बने रहिएगा त्रिशरण लाइव टीवी। हम ऐसे ऐसे मुद्दा लेके आते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ समाज को हम लोग जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं। तो जितने भी दर्शक हैं सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को से अधिक शेयर कर, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इस पल्लवी बहन को उसको हत्यारे हैं उसको सजा मिल सके, उसको फांसी मिल सके और उस बहन को न्याय मिल सके। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन सोनू कुमार बौद्ध के साथ, जय भीम नव बुधाए। थैंक यू, धन्यवाद।